दूसरा आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का आधार बन सकता है बांस। सरकार 2022 तक 10% और 2030 तक 20% पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रित करने की क्षमता विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। भारत में आगामी एक दशक में कम से कम 20% पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहुतायत में पाया जाने वाला बांस इसका जरिया बन सकता है और बांस के उपशिष्टों से जैविक ईंधन प्राप्त करने के लिए हो रहे हैं अनुसंधान कार्यों की इसकी राह में सशक्त है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव सौरभ इंडले ने यह बात कही है। वह रूड़की स्थित केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान CBRI में पूर्वोत्तर क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्री के रूप में बांस के उपयोग पर आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि सरकार वर्ष 2022 तक 10% और 2030 तक 20% पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रित करने की क्षमता विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। भारत का 60% से अधिक बांस पूर्वोत्तर क्षेत्र में उगाया जाता है। इसी तथ्य को देखते हुए पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर बांस उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें, चैनल लाइक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।